आज के इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप बिहार से हैं और अपनी ज़मीन का रसीद ऑनलाइन कटवाना चाहते हैं तो उसके लिए बिहार सरकार ने नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है। मतलब कि नई तरीके से अब बिहार के रसीद आप काट पाएंगे। पुराना जो प्रोसेस था वो तरीका तो वो बदल के दिया गया है। अब न्यू तरीका से आपको ज़मीन का रसीद ऑनलाइन कटवाना होगा। जब आप ऑनलाइन रसीद कटवाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी दिक्कत होती है, जैसे कि भाग संख्या, पृष्ठ संख्या आपसे मांगा जाता है। तो भाग संख्या, पृष्ठ संख्या कैसे निकालते हैं वो भी हम आज के इसी वीडियो में बताएंगे। और आपको लाइव हम एक रसीद ज़मीन की ऑनलाइन काट कर दिखाने वाले हैं, न्यू प्रोसेस, न्यू तरीका से। तो जानेंगे शुरू से अंत तक। इसलिए शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में biharbhumi.bihar.gov.in की वेबसाइट का लिंक दिया है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आज आप बिहार की भूमि सुधार की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे भी इस वेबसाइट पर आएंगे यहाँ पे आपको देख पा रहे ऑनलाइन लगान, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे क्लिक करके आप इस पे आ सकते हैं। ऑनलाइन लगान पे क्लिक करेंगे, जैसे ऑनलाइन लगान पे क्लिक करेंगे न्यूट्यूब ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सुरक्षा कोड है, यहाँ पे कुछ नंबर देंगे, इसको ऐड करना हो, जैसे कि 10+5 है तो इक्वल टू 15 हो गए। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, लंबित भुगतान देखे और हमें ऑनलाइन भुगतान करना है, यानी कि हमें भुगतान करके रसीद काटना है तो हमें क्या करना होगा, ऑनलाइन भुगतान करें पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले कैप्चर देने के बाद ही आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अंचल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको अपना हल्का सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका हल्का वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो भी आपका मौजा वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कह रहा भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान, ये दोनों देने के लिए, ये दोनों कहाँ से निकालेंगे उसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि लिंक, इस लिंक का भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। इस पर क्लिक करके मैं न्यू टैब में इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे न्यू टैब में ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह दिखने को मिलेगा, मैं आपको इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे बिहार के नक्शा आपके सामने आ जाती है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट पे इस तरह क्लिक करेंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी प्रखंड है प्रखंड के नक्शा आ जाएंगे। उस नक्शा में जो भी आपका प्रखंड हो आपके प्रखंड के नाम पर क्लिक करना होगा। जैसे आप अपने प्रखंड के नाम पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको हल्का सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पर मौजा, उसके बाद यहाँ पर आप खाता नंबर से सर्च कर सकते हैं प्लॉट नंबर से। तो चलिए हम खाता नंबर, यहाँ खाता नंबर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे खाता नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद इस खाता में बहुत सारे हैं, तो जो भी आपका होगा, जो भी आपका नाम वाला होगा तो उसके आगे देख सकते खाता संख्या, भाग वर्तमान, पृष्ठ वर्तमान, ठीक है। तो जो भी आपका होगा, जैसे कि इस खाता का जो भाग वर्तमान ये हो गया, पृष्ठ संख्या ये हो गया, तो भाग वर्तमान और पृष्ठ वर्तमान संख्या आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद उस दोनों को यहाँ पे फिलअप करेंगे, उसके बाद खोजे पे क्लिक करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगी, उसके नाम को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखे पे क्लिक करेंगे, जैसे देखे पे क्लिक करेंगे आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर, और कितना आपको लगान अभी देना होगा यहाँ पे देख सकते हैं। इसका कोई बकाया राशि अभी नहीं है, और इसका पिछला जो रसीद है, पिछला जो भुगतान है 18, 19, 20, 21 का, ये तीनों यहाँ पे इनका ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, तीनों इनका 3 साल का कटा हुआ है, तो अभी इनका कोई ड्यूज नहीं है, इसलिए इसे हम अभी पेमेंट नहीं कर सकते। अगर ये पिछला रसीद देखना चाहे तो देखे पे क्लिक करेंगे, हम इस पिछले रसीद को देख सकते हैं। जैसे देख पा रहे, देखे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये रसीद आ जाएगी। इस रसीद को आप इस तरह प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरी कोई खाते को देख लेते हैं जिसमें ये बकाया राशि होना चाहिए, और उसको हम पेमेंट करके भी आपको दिखाएंगे। ये अगर इसी तरह कोई रहेगा जिसमें ये आपको बकाया दिखाएगा, उसके बाद यहाँ क्या करना, ऑनलाइन भुगतान पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह आ जाएगा, दिखने को मिलेगा यहाँ पर आपको कुल अमाउंट रहेगा। अभी इसका कुल अमाउंट ड्यूज नहीं है, इसलिए 0 दिखा रहा है। जिसका भी अभी नहीं कटा होगा उसका जो भी बकाया अमाउंट होगा वो दिखने को मिलेगा। यहाँ पे उनका नाम देंगे, फुल नेम, उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस देंगे। एड्रेस देने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह आ जाती है, इसे कॉपी करके आप रख सकते हैं। अगर आपको ट्रांजेक्शन करते वक्त फेल हो जाती है ट्रांजेक्शन, तो इस नंबर से आप उसे प्रोसीड करके सक्सेसफुली कर सकते हैं, इसको कॉपी करके रख सकते हैं। ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ भुगतान करें भी क्लिक करेंगे।
उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पेमेंट के लिए पेमेंट डिटेल बोल रहा है, तो आप ई पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे, किस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हो वो बैंक को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टेट बैंक को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहे उस बैंक, उसके बाद यहाँ पेमेंट पे आ जाएगा। यहाँ पे अपना इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे। तो यहाँ पेमेंट करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी पासवर्ड देंगे, लॉगिन करेंगे, कुछ तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने को फिर से यहाँ पे डिटेल आएगी, फिर से आपको कंफर्म करना होगा। नीचे आएंगे, कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपके रजिस्टर मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करेंगे। जो भी आपके रजिस्टर मोबाइल पे ओटीपी मिला उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे, ओटीपी देंगे, उसके बाद कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपके पेमेंट सक्सेस हो जाएंगे। उसके बाद आपको वेट करना होगा एक मिनट का, ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेस हो जाने के बाद ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो चुका है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं रिडायरेक्ट हो चुका है। रिडायरेक्ट हो जाने के बाद कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज। उसके बाद आपको पेमेंट सक्सेस का मैसेज मिलने के बाद पिछला भुगतान देखे पे क्लिक करेंगे। जैसे पिछला भुगतान देखे पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। यहाँ पे जितने भी वर्ष का आपका जो पेमेंट किया होगा ऑनलाइन वो सारे दिखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने अभी जो किया हूँ वो देख सकते हैं 19-20 है, जो कि 20-21 तक इसका मान्य रहेगा। तो इस रसीद को हम देखे पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने रसीद आ जाएगी, उस रसीद को हम डाउनलोड करके कस्टमर को दे सकते हैं। इसी तरह से आप न्यू पोर्टल से इसी तरह आप रसीद ऑनलाइन काट सकते हैं।